कहते हैं, हे महादेव आपके चरणों में आए हैं तो मेरा जीवन सफल कर दीजिए, क्योंकि सबसे महान गुरु महादेव गुरु हैं, इसलिए दीदी शिव के गुरु बना लीजिए और तीन सूत्र के हैं नमन कर लीजिए। ऊपर की सांस से है ऊपर नमन करना है और नीचे की सांस से शिवा करना है दीदी। इसलिए जो महादेव की चरणों में आकर के आप शिव के गुरु नहीं बनाते हैं तो बहुत ये गलत बात है दीदी, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जो शिव को गुरु मानना पड़ेगा दीदी। इसलिए आज हमारे रामा राय भैया के दरवाजे पर शिव चर्चा यहाँ महादेव गुरु का सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित है, हमारे गुरु भाई गुरु बहना भी उपस्थित है, हमारे गणेश भगवान शंकर भगवान मैया पार्वती भी उपस्थित है, हमारे साथ साथ म्यूजिशियन भैया हमारे कलाकार भैया हमारे गाने वाले दीदी सब यहाँ शिव चर्चा करते हैं, तो यहाँ आकर शिव का गुरु बना लीजिए। इसलिए दीदी जो कंगन आप पहन लीजिए, अगर आपको ज्ञान नहीं है दीदी तो तीन सूत्र आकर इस मंच पर आप सीख सकते हैं दीदी। ये बातें कहना है जो हे शिव आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। आपने दया किसने करने वाला है कौन, आप देवों का देव महादेव हैं, दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र में एक अनजान व्यक्ति से कहना है, एक रास्ता पेरा हाट बाजार न गाँव समाज में गुतनी दियादिनी में कर कुटुम में अच्छा बुरा सबको बनाना है शिव के गुरु, पूरा जीव जंतु के भी बनाना है। हम गाय चराने जाते हैं बकरी चराने जाते हैं, किसी सखियन के साथ हम फूल लोड़ने जाते हैं, किसी शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर ही विवाह तो देखेंगे लेकिन शिव की ही बात करना है। क्या करना है, जही दीदी हमने शिव के गुरु मान लिए हैं, आप भी मान के देखिए शिव गुरु कितना कमाल के गुरु, जगत के गुरु, जगत के मालिक है, हमको भी दया दे हैं, आपको दे सकते हैं। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमन करना है, और रुद्राक्ष की माला हो या मन के माला हो, मन के माला कोई गिनती नहीं है, क्योंकि मन ही मन, अगर घर में एक रुद्राक्ष का माला 108 का है तो उसी पर सभी परिवार पूरा फैमिली भी हम जप लेंगे 108 माला से, क्योंकि इस तरह ही अंगुली पर और नमः शिवाय आंचल तर में हमारे गुरु बहना जो आंचल तर में ऐसे कर झांप करके हमारे गुरु महादेव को 108 बार माला को जपना है, इस अंगुली पर जपना है, इस अंगुली पर जपना है महादेव को, और उसमें फूदना लगा रहता है तो उसको पलटना नहीं है, सीधी तरह से इसको ऐसे घुमाकर फिर नीचे मुहे को 108 बार महादेव गुरु के रुद्राक्ष का माला को जपना है और शिव के गुरु बना लेना है। क्योंकि दीदी हम बार बार कहते हैं जो अगर 1 लाख के आप गहना पहने हुए हैं तो हमारे इस रामा भैया के दरवाजे पर हम आए हैं, जैसे ही इसके दरवाजे पर प्रवेश किए हैं तो हमारे गुरु भाई गुरु बहना दोनों हाथ जोड़कर गुरु की याद किए हैं, मेरा प्रणाम नहीं किए हैं गुरु की याद किए हैं, उस तरह से हाथ में कंगन या कंगन महादेव गुरु के कंगन ही सबसे ओरिजिनल कंगन गहना है, तो ये पहन के चलिएगा दीदी तो रास्ता पेरा हाट बाजार अड़ोस पड़ोस शादी विवाह में सब देखेंगे तो दीदी प्रणाम भैया प्रणाम। अगर बस में बैठे हुए रहते हैं तो एक सीट पर भैया बैठे रहेंगे कंगन पहन करके तो वो साइड हो जाते हैं, या बहना आप भी बैठिए इस जगह पर, आप भी पधारिए बैठिए और गुरु की याद कीजिए, गुरु प्रणाम, यो हमारे प्रणाम नहीं करते हैं वो गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, इसलिए दीदी शिव के गुरु बना लीजिए, क्योंकि जीवन अधूरा है। हम लोग जब से कन्या थे हम सब नए थे, हम लोग निकलते थे नहीं बाहर से, उस दिन से शिव के गुरु बनाए हैं। जब हम लोग घर बाहर से चर्चा कर आते थे ना तो हम लोग के घर में परिवार में विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, जब चर्चा में क्यों गए हैं, लेकिन उस दिन हम लोग समझते थे नहीं, हमारे परिवार के लोग नहीं समझते थे ये शिव क्या है, ये चर्चा क्या है, हम लोग समझते थे नहीं, लेकिन आज तीन सूत्र के ज्ञान महादेव गुरु के लिए हैं, क्योंकि अवघरदानी कालों के काल महाकाल है, जिस भक्त पर महादेव अगर दया बरसा देते हैं, अगर दोनों नेत्र तीसरा तीसरा नेत्र से अगर तीन सूत्र से ज्ञान की दाता अगर दया बरसा देते हैं तो वो भक्त पर कभी काल नहीं आ सकते हैं, जय जयकार रहता है, दया पर दया बरसता है।
तो हम लोग नए नए से चर्चा करते हैं तो हम लोग घर में आते थे तो झगड़ा हो जाता था, इसलिए दीदी शिव के गुरु बना लिए तो हमारे पति बेटा बहू पुतो नाती नतनी भी दामाद सबको समझ में आया। अब हम चर्चा करते हैं तो मेरा दामाद कहते हैं जो माँ जी चर्चा करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उनको समझ में आता है। अब गांव परस के लोग भी कहता है जो ये चर्चा करने जाते हैं क्या करने जाते हैं, तो वो भी वो भैया को भी हम जानकर उनको भैया को हम गाड़ी भाड़ा कर लेते हैं जो भैया इस बहाना से हमको जाकर चल कर देखिए मेरे साथ में जो हम चर्चा करते हैं को क्या करते हैं। वो भी थक गए हैं भैया जे सच में महादेव गुरु स्वयं है, सबकी बस की बात नहीं है ये गुरु मंच है। अच्छा अच्छा पढ़े लिखे बाबू ये माइक पकड़ने के लिए सोचते हैं जो हम पकड़ के इस मंच पर दो लाइन बोल सकूं, मौका मिले जे बोलो। लेकिन आज के ऐसा दिन है महादेव गुरु का ऐसा चरण है जो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग थोड़ा सा गुरु के चरण में प्रार्थना करते हैं जो थोड़ा एक मिनट सेकेंड के लिए मेरा माइक दे देते तो थोड़ा हम दो लाइन बोलने का मेरा मौका मिल जाता और बहने भैया सबको थोड़ा हम दो लाइन बोलते समझते सीखते समझाते तीन सूत्र बताते एक भजन करते। लेकिन हम लोग जहाँ चर्चा में जाते हैं तो महादेव गुरु भी परीक्षा लेते हैं जो नहीं ये बहने ये तीन सूत्र पूरा ज्ञान लिए हुए हैं तो हम लोग को माइक भी नहीं देते हैं जो बहना आप गा लीजिए, क्योंकि समझते हैं जो हमारे बहने सीखे हुए तीन सूत्र के ज्ञान लिए हुए हैं। हम लोग के कहीं भी मंच पर रख दीजिए खड़े कर दीजिए, चाहे 5 करोड़ आदमी हो चाहे 500 आदमी हो चाहे 5 गो आदमी हो वहाँ पर गुरु महादेव को हम नाम लेकर ही आएंगे। क्योंकि मेरे पास में कोई कलाकार ना गाला है ना गाना है ना हम कोई ब्यास है ना कलाकार है, लेकिन महादेव की दया है कृपा है माँ सरस्वती का कृपा है जो हम लोग देश विदेश से चर्चा कर कर आज घर में भी हैं। आज हमारा बेटा बेटी हमारे धी दामाद हमारे अड़ोस पड़ोस भी नहीं कहते हैं जो चर्चा नहीं जाइए, हम लोग जाते हैं चर्चा करते हैं, इसलिए शिव के गुरु बना लीजिए दीदी। जो नहीं बनाए हैं इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कपड़ा नहीं लगता है, कोई इसमें मेहनत नहीं लगता है, इसमें लिखने के लिए कलम भी आपको नहीं मांग रहे हैं, ये सांस के द्वारे मुंह ना खोलिएगा फिर भी तीन सूत्र अपने आप बुलाएगा, उस तरह से नाम भी आपको घोषणा कर देंगे बिना कलम किताब का, क्योंकि माँ सरस्वती की वास है। इसलिए दीदी शिव के गुरु बना लीजिए क्योंकि देवों का देव महादेव हैं। तो आइए इस चर्चा के रखते हुए मैं भजन की ओर चलते हैं। प्रेम से बोले भोलेनाथ के हर हर महादेव, तो महादेव से कहते हैं जय लंबी लंबी के सियाली लामा दीदी अरहिया बहर लुरे जान, खुशी बगुरु रहिया बहर लुरे जान, रे जान रे जान न ताही है रहिया या लखिन शिवाजी पहुना मारे जान, रे जान न ताही रहिए या लखिन शिवाजी पहुना मारे लीला
रहते थे डॉक्टर ओझवा बोले थे, लेकिन स्वामी जी के अम्मा कितनों हम उनकर बेटी बन जबे थे, स्वामी जी के अम्मा हृदय जी के अथोर हो जाते तो कथी कहे छे भोलेनाथ से अपन स्वामी जी से कथी कहे छे, यानी कि गौरा पार्वती अपना भोले नानी से कथी कहे छे अपने आमा रही ते महादेव गुरु ओझावा अगर भीजे लगले तो महादेव गुरु के सुमर के कहे छथिन, गौरा पार्वती अपना भोलेनाथ से कहे छथिन। ये चलते जो देवों का देव महादेव हथिन, सबसे महान गुरु हथिन, उनका का गला के हार नाग भगवान रहथिन, तो जब नस नस में बीख उनका दौड़े लगल तो भोलेनाथ से गौरा पार्वती जी कहे छथिन, तनि सुनू हे भोलेनाथ तनका हमरो वचन सुन लू। तो कथी कहे छथिन अपने आमा रही ते महादेव गुरु डाकटरा बोलैतै रे जान, हो शिव गुरु डाकटर बोलैतै रे जान, जान स्वामी जी के अम्मा हृदय के कठोरा बारे जान, रे जान स्वामी जी के अम्मा हृदय के कठोरा बारे जान। बताइए जो हमारे सारे भैया दीदी बैठे हुए हैं इस दरबार में ताली बजाने में शर्म आता है क्या? तो आइए हमारे रामा राय भैया के तरफ से एक से एक रुपया इस दरबार में महादेव के दरबार में आया है, क्योंकि आज घर का साल गिरा है, साल लगा है, तो आज शिव चर्चा कराए हमारे रामा राय भैया। सुन रहे हैं आप लोग दीदी, एक से एक रुपया बकाया है, 100 रुपया दिए हैं।
तो महादेव इसको इस जग के सफल करें। इस महल में सुख भोग सदा दया बरसते रहें। हमारे चौसीमा का, हमारे गुरु भाई गुरु बहना के सदा जय जयकार रहे। प्रेम से बोले भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, एक बार ताली दोनों हाथ लगा कर लगाइए दीदी। प्रेम से बोले भोलेनाथ की, तपाहे लाम में दाया मंगली दूसरा में चर चारे जान खुशी बगुरु दूसरा में चर चारे जान ये जान दीदा रामे नामा ये बन्ना मारे भोलेनाथ की, मैया पार्वती की, हर हर महादेव की।